नमस्ते फ्रेंड, मैं सरिता आप सबका स्वागत करती हूँ अपने गार्डन में। और आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ ये यूफोर्मिलिया फ्लावर के साथ। तो देखिए कितनी सारी बर्ड्स आ रही है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है फ्रेंड। और इधर मेरे मैरीगोल्ड चल रहे हैं और अभी ज़्यादा फूल नहीं खिल रहे हैं मेरे गार्डन में। और ये अलमंडा में कली आ रही है और थोड़े से फ्लावर खिले थे तो वो पूजा के लिए सुबह तोड़ लिए मैंने। और ये देखिए मेरे ब्लीडिंग हार्ट में कितने सुंदर फूल आ रहे हैं फ्रेंड। मैं आज अपने बोगनवेलिया प्लांट पे फर्टिलाइज़र देने जा रही हूँ और ये स्प्रिंग सीजन से लेके विंटर तक इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और ये मेरा वेरीगेटेड प्लांट है, इसमें वाइट कलर के भी फ्लावर आते हैं। और ये देखिए बारिश बहुत आई थी तो ये फूल भी ख़राब हो गए, बहुत से फूल झड़ गए हैं। तो मैं इसमें आज एक कुछ फर्टिलाइज़र देने जा रही हूँ। तो ये चाय पत्ती है और ये केले के छिलके का बनाई हूँ सुखा के। और ये नीम खली है और ये मस्टर्ड केक है और ये मेरा वर्मी कंपोज़ है, ये सीनमन पाउडर है। तो मैं इन्हें मिला दूँगी और ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है बोगनवेलिया के लिए। और अगर आपके पास बोन मील है तो वो भी डालिए, इसको बोन मील बहुत पसंद है और फास्फोरस का बहुत अच्छा स्रोत भी है। लेकिन अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो मैं नहीं डालूंगी इसको और मैं उसकी जगह एक्सेल्स का ही यूज़ करती हूँ। और जब किसी भी प्लांट में हम कोई फर्टिलाइज़र डालें फ्रेंड तो उसकी गुड़ाई कर लें। तो मैंने पहले ही गुड़ाई कर ली हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है वीडियो बनाने में, तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी। और बोगनवेलिया विंटर सीज़न में भी बहुत अच्छा फूल खिलता है, बहुत सारी वैरायटी में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं इसमें सारे ही खाद को डाल दी हूँ और मैं जब नवरात्रे ख़त्म होंगे तो मैं इसमें एक्सेल्स भी डाल दूंगी। और इसकी मिट्टी को एसिडिक मिट्टी इसको बहुत पसंद है तो मैं इसलिए चाय पत्ती डालती हूँ और नीम केक डालते हैं ताकि इसकी जड़ों में कोई फंगस ना हो और जो भी मिट्टी में कीड़े होते हैं हार्मफुल होते हैं जो वो सब नष्ट हो जाएंगे और जड़ें भी स्ट्रॉन्ग बनती हैं। और वर्मी कंपोस्ट तो हर प्लांट के लिए बहुत ही बेस्ट होता है फ्रेंड। और जो केले के छिलके का मैं इस्तेमाल करी हूँ वो फास्फोरस का बहुत ही अच्छा स्रोत है और उससे फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। और देखिए इसमें भी अभी स्टार्ट हो रही है मेरे जो भी प्लांट हैं और जो भी इसकी लंबी लंबी ब्रांचेस होती हैं उसे आप कट कर दीजिए और मैं इसको मेंटेन करके रखती हूँ। और ये थोड़ा छोटी वैरायटी का भी है, ज़्यादा नहीं फैलता है। और इसमें कई सारी वैरायटी आती हैं, कुछ तो बहुत लॉन्ग वैरायटी की होती हैं लेकिन मेरे पास ये सिर्फ ड्रॉप वैरायटी का ही है और एक ही कलर है मेरे पास, ये पिंक रानी कलर है। और इसे आप अपने मनचाहे शेप में जैसा चाहे वैसा आकार दे सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। और ये ऐसा प्लांट है कि इसको पूरी फुल सनलाइट में रखेंगे तभी इस पर फ्लावरिंग अच्छी आएगी, वरना सिर्फ इसमें पत्तियां ही पत्तियां आपको दिखेंगी। और इधर मैंने बहुत से ये ब्रांचेस कट कर दिए हैं, इधर ये मेरे फ्लावर भी स्पेंड हो गए हैं फ्रेंड। मैं पहले दिखाई थी मेरे बोगनवेलिया में जब फ्लावरिंग हो रही थी और मैं फर्टिलाइज़र नहीं डाल पाई थी इसमें, तो अब मैं डाल रही हूँ क्योंकि विंटर सीजन भी इसके फ्लावरिंग का बहुत अच्छा समय होता है। और ये ऐसा प्लांट होता है जो स्प्रिंग सीजन से लेके पूरा समर भर विंटर भर फ्लावरिंग होता है और समर में भी बहुत अच्छे फूल आते हैं इसमें। और ये देखिए ये नई नई अभी इसमें फूल खिलने वाले हैं। और बात करें वाटरिंग की तो इसमें वाटरिंग जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो थोड़ा आपको पानी तो देना ही चाहिए और नमी भी बना कर रखनी चाहिए। और लेकिन अगर आपके प्लांट में सिर्फ पत्तियां ही आ रही हैं तो इसको क्या करिए, जो ये ज़्यादा लंबी ब्रांचेस होती हैं उसको टिप से थोड़ा कट कर दीजिए और जो पुराने पत्तियाँ होती हैं नीचे उन्हें भी कट कर दीजिए और इसमें वाटरिंग कम कर दीजिए। जब मिट्टी पूरी तरह से ड्राई हो जाए तभी इसमें पानी डालिए तो बहुत अच्छे फ्लावर आएंगे। और महीने में इसको फर्टिलाइज़ ज़रूर करते रहिए और आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, बनाना पील्स और ऑनियन पील्स का अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उससे भी बहुत अच्छा फूल आते हैं इस पर फ्रेंड। और मैं इसमें खाद देने के बाद मैं इसको थोड़ा पानी दे दूँगी और जब भी
आप कोई भी फर्टिलाइज़र डालते हैं तो सिर्फ उतना ही पानी दीजिए कि पानी बाहर ना आए इसके, और जो भी न्यूट्रिशन होते हैं वो प्लांट अच्छी तरह से ले लें। और बस थोड़ी सी देख रेख करने पे बहुत अच्छा फूल प्रोड्यूस करता है, और ये बहुत ही अच्छा फ्लावर प्लांट है, इसे आप ज़रूर लगाइए। और हर तरह के कलर में मिल जाएगा, वाइट, ऑरेंज, येलो, पिंक, जैसा चाहे वैसे वैरायटी का आप और कलर में इसे आप ख़रीद सकते हैं। बहुत दिनों से मैं इसको फर्टिलाइज़ नहीं की थी, तभी करी हूँ फ्रेंड। तो ये बस छोटी सी शेयरिंग थी, मैं इसमें आज फर्टिलाइज़ करने जा रही थी तो आप लोगों के साथ भी शेयर की हूँ इस वीडियो को। और मेरे गार्डन में कुछ खास नहीं चल रहा अभी, सभी प्लांट्स सूख से रहे हैं जो समर गार्डन के हैं। तो जब नई शॉपिंग करेंगे तो ज़रूर शेयर करेंगे फ्रेंड। तो आज की वीडियो बस इतनी ही, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड।